हेलो एवरीवन, तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कक्षा सिक्स का सेट वन का जो सिलेबस है, यानी अप्रैल मई और जुलाई के महीनों में जो सिलेबस आएगा वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हिंदी का है, मैथ का जो मंथ अप्रैल का जो सिलेबस है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अप्रैल महीने में जो आपको सिलेबस आएगा उसमें सबसे पहले यहाँ पर बसंत का पाठ एक है, वह चिड़िया जो, और पाठ दो बचपन, ये दोनों लेसन बसंत से हैं, और बाल राम कथा से अवधपुरी में राम, ये लेसन आएगा। इसके बाद जो आदर्श जीवन मूल्य है, जो नई नैतिक शिक्षा आई है आपकी, उसमें से पाठ नंबर एक है प्रकृति का सम्मान। और इसके बाद आगे है मई महीने का सिलेबस है, जो इसमें बसंत के जो पाठ नंबर तीन है, बसंत का जो पाठ नंबर तीन है नदान दोस्त कहानी, और पाठ नंबर चार चांद से थोड़ी गप्पें कविता है। इसके बाद बाल राम कथा का लेसन नंबर दो जंगल और जनकपुर, लेसन नंबर तीन दो वरदान, लेसन नंबर चार राम का वनगमन, और लेसन नंबर पाँच चित्रकूट में भरत। तो ये चार लेसन हैं जो बाल राम कथा से हैं। और इसके बाद मई महीने में ही जो आदर्श जीवन मूल्य यानी नैतिक शिक्षा है उसमें से पाठ नंबर दो है जिज्ञासु अर्जन, ये आपने इसके साथ करना है। इसके बाद जुलाई महीने का सिलेबस है, इसमें बसंत का जो पाठ नंबर पाँच है साथी हाथ बढ़ाना गीत, ये करना है, और बाल राम कथा में से लेसन नंबर छः है दंडक वन में 10 वर्ष, ये जो है आपने, और इसके साथ एक लेसन और है लेसन नंबर सात सोने का हिरण, ये दोनों बाल राम कथा से हैं, लेसन नंबर छः और सात। इसके साथ आदर्श जीवन मूल्य जो नैतिक शिक्षा है इसमें से पाठ नंबर तीन है सफलता का मूल मंत्र, ये प्यारे बच्चों हिंदी का सिलेबस है। आइए अब गणित का सिलेबस देखते हैं, जो अप्रैल महीना है इसमें जो पाठ नंबर एक है अपनी संख्याओं की जानकारी, ये आपने करना है। इसके बाद मई महीने में दो लेसन हैं, पाठ नंबर दो पूर्ण संख्याएं, और पाठ नंबर तीन संख्याओं के साथ खेलना, और संख्याओं के साथ खेलने का ही कुछ पाठ जुलाई महीने में है, पाठ नंबर तीन का जो लेसन नंबर तीन है हमारी, इसके कुछ भाग संख्याओं के साथ खेलना, और पाठ नंबर चार आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, ये जुलाई महीने में आता है। इसके बाद आइए अब कला सेतु यानी चित्रकला का जो सिलेबस है ये देख लेते हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में अध्याय नंबर एक है पेंसिल और उनका प्रयोग, ज्यामिति उपकरणों का ज्ञान, तो ये लेसन जो है अप्रैल महीने में है। इसके बाद मई महीने में आपका अध्याय नंबर दो है आकृतियां एवं आकार, आकृतियां एवं आकार पर गतिविधियां, ज्यामिति का ज्ञान, इसके साथ साथ कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं बिंदु रेखा कोणों का ज्ञान, ये भी आपने इसके साथ करना है। और चित्रकला का जो जुलाई महीने का सिलेबस है इसमें अध्याय नंबर तीन है रंगों की दुनिया, और ज्यामिति रचनाओं में है प्रश्न नंबर एक और दो जो है आपने इनको बनाना है। इसके बाद आइए अब इंग्लिश का यानी अंग्रेजी का सिलेबस देखते हैं अप्रैल महीने का, अप्रैल महीने में आपको क्या क्या आएगा। तो हनी शक्कल जो किताब है इसमें लेसन नंबर एक है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ए हाउस ए होम पोइम है, और एक लेसन नंबर एक है हु डिड, ये वाला जो लेसन है पहला, और इसके साथ एक पोइम है। और ग्रामर में यहाँ पर है ग्रामर एंड वर्कबुक कंपोजिशन जो है। इसके बाद मई महीने का जो सिलेबस है मई में लेसन नंबर एक ए टेल ऑफ टू बर्ड्स, ये जो किताब है आपकी ये पैक्ट विद सन में से लिया गया है। इसके साथ हनी शक्कल जो किताब है इसका जो लेसन नंबर दो है, जो आपकी किताब हनी शक्कल है इसमें जो लेसन नंबर दो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, और साथ में एक दी पोइम है दी काइट जो पोइम है, ये भी आपने इसके साथ करनी है। इसके बाद आइए इसके साथ आपने ग्रामर और वर्कबुक जो है उसकी कंपोजिशन, वर्कबुक कंपोजिशन भी करनी है। इसके साथ साथ अब जुलाई महीने का सिलेबस है, जुलाई में जो हनी शक्कल किताब है इसमें से दी क्वारल पोइम है जो लेसन नंबर तीन में, वो आपने करनी है। ए पैक्ट विद सन जो किताब है उसमें लेसन नंबर दो है जो दी फ्रेंडली मॉन्ग्यूज, ये भी आपने करना है लेसन नंबर दो, और ग्रामर एंड कंपोजिशन का जो पार्ट है वो भी आपने साथ में करना है। इसके बाद जो आपकी विज्ञान की किताब है इसका जो अप्रैल महीने का सिलेबस है इसमें पाठ नंबर एक भोजन के घटक, और जो मई है इसमें पाठ नंबर दो है वस्तुओं के समूह बनाना, और इसके साथ पाठ नंबर तीन है पदार्थों का
पृथक्करण करना, और जुलाई महीने में पाठ नंबर 4 है पौधों को यानी है। ये आपका सेट का सिलेबस है विज्ञान का सेट 1 का। आओ हुण देखते हाँ पंजाबी का सिलेबस। पंजाबी दे सिलेबस दे विच अप्रैल महीने दे विच जिहड़े पाठ हैं उन्हां विच सब तो पहला है वर्णमाला तस्वीरां नाल, ते दूजा पाठ है वर्णमाला 35 अक्खरी, तीजा पाठ है 35 अक्खरी सुलेख अते अभ्यास, चौथा पाठ है पछाणो ते पढ़ो भुलावें अक्खर। ते इस तों बाद मई महीने दे विच जिहड़े पाठ हैं उन्हां विच है मुक्ता 2 अक्खरां दा जोड़, मुक्ता 3 अक्खरां दा जोड़, मुक्ता 4 अक्खरां दा जोड़, कन्ने दी मात्रा, सिहारी दी मात्रा, बिहारी दी मात्रा। ये जो हम 10 तक पाठ है जुलाई महीने मई महीने दे विच हन, ते हुण जुलाई महीने दे विच जिहड़े पाठ हन औंकड़ दी मात्रा, दुलैंकड़ दी मात्रा, ला दी मात्रा, दुलावां दी मात्रा, हूड़ा दी मात्रा, ते कनौड़े दी मात्रा। ये जुलाई महीने दे सैट 1 दे जिहड़े पेपर होने हन उन्हां दा पंजाबी दा सिलेबस है। तो आइए अब जान लेते हैं पंजाबी के बाद संस्कृत का सिलेबस, जो कि आपका पंजाबी के स्थान पर आप संस्कृत सब्जेक्ट भी रख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं संस्कृत का सिलेबस। अब संस्कृत के सिलेबस के बाद आइए देखिए सामाजिक विज्ञान का अप्रैल महीने में जो लेसन आना है पाठ नंबर 1 सरस्वती सिंधु सभ्यता इतिहास की किताब में से है, और इसके साथ साथ जो पृथ्वी हमारा आवास है इसका जो लेसन नंबर 1 है सौर मंडल में पृथ्वी, और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में जो पाठ नंबर 1 है विविधता की समझ, ये आपका जो है अप्रैल महीने का सिलेबस है सामाजिक का। और मई महीने में जो आपके लेसन आने हैं पृथ्वी हमारा आवास में से पाठ नंबर 2 ग्लोब आकाशांश एंड देशांतर, और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की किताब में से पाठ नंबर 2 विविधता एवं भेदभाव। इस तरह इतिहास की जो किताब है इसमें पाठ नंबर 2 है जो वैदिक काल, ये सामाजिक का मई महीने का सिलेबस है। और आइए अब जान लेते हैं जुलाई महीने में जो सामाजिक के लेसन आने हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो किताब है इसमें पाठ नंबर 3 सरकार क्या है, और इतिहास की किताब में पाठ नंबर 3 रामायण एवं महाभारत काल, ये लेसन आपने इतिहास की किताब में से करना है। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।